नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मसौढ़ी पीएचसी में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है, जहां माइक्रो प्लान तैयार कर 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के किशोरों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। साथ ही कोरोना जांच भी किए जा रहे हैं। वहीं इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामानुजम सिंह ने बताया कि पीएचसी मसौढ़ी में लगातार वैक्सीनेशन और कोरोना जांच भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में अब तक करीब 60 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें दवा का किट देकर होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। हम लोग के यहाँ 3 तारीख से ही जो 15 से 18 का जो पड़ रहा है, तो हम लोग के द्वारा माइक्रो प्लान बनाया गया है। सभी स्कूल का, जितना भी स्कूल में 15 से 18 जो बच्चे हैं, तो उसी सब स्कूल में माइक्रो प्लान बना करके सबको दे दिया गया है। और उसके आधार पर हमारा टीम डेली जा रही है, डेली वैक्सीनेट करते जा रही है। और आज तो मेगा प्लान है उसी का, तो आज तो हम लोग को 23 जगह वैक्सीनेशन हो रही है। देख रहे हैं बाहर में भीड़ लगा हुआ है, और जांच तो हम लोग सब जगह जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ वहाँ जाँच करवा रहे हैं, क्योंकि जाँच तो बहुत बड़ा चीज़ है, ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। और जांच जिसको भी हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पर होम आइसोलेशन में सलाह देते हुए और उसको दवाई का किट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है उन लोगों को जो पॉजिटिव पाए गए सर, और उन लोग जिनको घर रहने की सुविधा नहीं है, तो उनसे उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं तो होम आइसोलेशन जो हुआ, होम आइसोलेशन में हम लोग इससे पूछ लेते हैं कि आपके घर में रहने का सुविधा है या नहीं है। जिसको नहीं रहने का सुविधा है तो आइसोलेशन सेंटर हम लोगों बना हुआ है, उसमें उनको एडमिट करेंगे। सर, पिछले बार भी कोरोना संक्रमण हुई थी और जो ऑक्सीजन का लेवल है वो घट चुका था और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, तो सर अब क्या कुछ ऑक्सीजन की सुविधा प्राप्त हो रही है? अभी तो बहुत अच्छा खासा व्यवस्था में बहुत ज्यादा चेंज आई है। अभी एसडीएच में हम लोग का प्लांट भी बैठ चुका है, तो इस बार तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। और ऐसे भी अभी तक हम लोग इतना पॉजिटिव केस तो हुआ है, प्रत्येक दिन तो 10-12 निकल ही जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ नहीं है। होगा भी तो हम लोग के पास उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि उसका प्लांट ऑलरेडी एसडीएच में बैठ गया और फंक्शनिंग। सहरसा में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में जिले में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों को कोविड-19 की वैक्सीन से आच्छादित करने के लिए विशेष महाअभियान चलाया गया। किशोर और किशोरियों को समर्पित इस विशेष महाअभियान से सकारात्मक परिणाम आ सके, इसके लिए इस अभियान का प्रभावी कार्य अनुश्रवण और पर्यवेक्षण अपेक्षित है। इसके लिए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिले में कार्यरत पदाधिकारियों की 24 टीमों का गठन करते हुए निर्देश जारी किए हैं। आज हमारा सहरसा में हम लोग स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं 15 से 18 आयु के बच्चों के लिए। इसीलिए लगभग 243 सेंटर हम लोग इसमें बनाए हैं पूरे जिला में। अलग अलग सेंटर पर जो भी बच्चे, उनकी सहूलियत के लिए, ताकि वो डायरेक्ट वहाँ पर आ जाएँ और अपना लगवा लें। वैक्सीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास तरीका है जो हम इस बीमारी को डील कर सकते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जहां भी आपका क्लोजेस्ट सेंटर है, आप लोग जाइए वहां पे इस वैक्सीन को लगवाइए। और इस वैक्सीन के लगाने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी मल्टीपल फोल्ड जंप कर जाएगी इस बीमारी को लड़ाई लड़ने के लिए। धन्यवाद। सुपौल सदर बाजार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा कैंडल मार्च निकालकर छपरा के कॉलेज में छात्र की मौत पर श्रद्धांजलि दी गई। सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकालकर छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र संदीप कुमार की मौत पर श्रद्धांजलि दी। निकाले हुए आज हम लोग कैंडल मार्च से निकालेंगे छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र, 20 बैच के छात्र संदीप कुमार, जो मैकेनिकल ब्रांच है, जो फांसी लटक के मर गया। बहुत दुख के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कॉलेज में कहीं ना कहीं कॉलेज के नाकामी की वजह से ये सब स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में आता है और फांसी लटक के मर जाता है। वहाँ पे कुछ कारण ये था जो वहाँ पे सुनाई मारा था कि कॉलेज द्वारा यानी पड़तालित किया गया था स्टूडेंट को, उसी के कारण वो सब फांसी लटक के मर गया। सुपौल में सरायगढ़ प्रखंड स्थित पिपरा खुर्द में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के रजिस्ट्रेशन करने को लेकर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार और राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिगंबर प्रसाद मेहता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। आज पूरे देश के मजदूरों का पंजीकरण का, चूंकि भारत सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया 7 दिसंबर 2021 को, भारत सरकार श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जिसके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को श्रम पोर्टल पे नाम दर्ज कराने का रजिस्टर्ड कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है।
सुपौल जिला मुख्यालय स्थित जिला शिक्षा कार्यालय सुपौल परिसर में शिक्षक और कर्मी की मृत्यु उपरांत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को लेकर कई अनुकंपा आश्रितों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरना पर पहुंचे कई जिलों के शिक्षक और कर्मी ने बताया कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के निर्देश निर्गत होने साथ ही पटना उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के बावजूद नियुक्ति नहीं किया गया। हम लोगों को DPO द्वारा वर्षों से टालमटोल किया जा रहा। मामला यह है कि यहाँ पर शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारी की मृत्यु उपरांत जो अनुकंपा आश्रित को लाभ मिलता है अनुकंपा के आधार पर, उससे संबंधित हम लोग आए हैं। आखिर क्या मामला है जो पब्लिक की बात को नहीं सुना जा रहा है? वही पेट किनके पेट फंसा करके सारा वही फंसा के रखे हुए हैं। लेकिन उस काम के लिए भी हम लोग अंत में सोच लिए कि चलो परिचारी पे भी होगा तो अपने बच्चों के पेट भरने के लिए कुछ सहायता हम लोगों को हो जाएगी। लेकिन अब रोने के लिए आंसू भी नहीं हम लोगों के आँख में बचा है। इतना दूर से आते हैं, इतना ठंड में आते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। घर बाहर के लोग कहते हैं कि कहाँ ये लोग बार बार जाती है। बेगूसराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब के दलित CM को बदनाम करने का आरोप लगाकर मोदी का पुतला फूंका। दरअसल पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरोध के दौरान बिना सभा के वापस लौटना पड़ा था। इसको लेकर भाजपा लगातार पंजाब सरकार और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं बेगूसराय में कांग्रेस ने भी भाजपा पर दलित CM को बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। आज कांग्रेस भवन से हम लोग पुतला दहन किए हैं नरेंद्र मोदी जी का। ये गंभीर साजिश था प्रधानमंत्री का, जो हमारे पंजाब के दलित मुख्यमंत्री को बदनाम करने की एक प्रधानमंत्री द्वारा साजिश रची गई थी। इसलिए वैसे प्रधानमंत्री का कांग्रेस पार्टी आज पुतला दहन करती है और मांग करती है कि हमारे जो दलित मुख्यमंत्री हैं उनको बदनाम करना भाजपा बंद करे। आज बेगूसराय जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में PM मोदी जो फरेबी और जन्म से वो नाटक, जिस तरह हम लोग गांव में देखते थे नाटक बच्चे लोग खेलते थे, वो एक्टिंग अभी भी जनता के साथ, भारत के आम आवाम के साथ वो नाटक खेल रहा है। भागलपुर में अपराधियों का अपराध इतना चरम सीमा पर बढ़ गया है कि उन्हें प्रशासन का थोड़ा भी खौफ नहीं है। कुछ दिन पहले ही SSP बाबूराम ने पदभार संभाला और बड़ी रंगदारी और लूट कांड का मामला सामने आ गया। आपको बता दें कि डॉक्टर विकास शर्मा, जो कि एक न्यूरो चिकित्सक है, उन्हें 6 जनवरी की दोपहर में रजिस्टर्ड डाक से क्लिनिक में 50 लाख रंगदारी वाली चिट्ठी मिली, जिसमें 25 जनवरी को नवगछिया के तेतरी दुर्गा मंदिर के पास रकम पहुंचाने को कहा गया। वहीं पहुंचाने पर रकम नहीं पहुंचाने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई है। ये हमको तो लेटर आया था 6 तारीख को, कल हम लोग FIR 7 तारीख को किए हैं बरारी थाना में। क्या आश्वासन मिला सर? आश्वासन मिला है कि मतलब इंक्वायरी होगा और डरने के लिए नहीं बोला गया। नालंदा में कोविड संक्रमण के प्रसार को देखते हुए जिले में 5 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर तैयार किए गए हैं, जिसका जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने लगातार दूसरे दिन सदर अस्पताल स्थित सेंटर का निरीक्षण किया। सदर अस्पताल में फिलहाल 2 खंडों में 20 बेड तैयार हालत में रखा गया है। कोविड के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं और लोगों से यही अपील है, जो सरकार का दिशा निर्देश है, मास्क पहनने का, भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड करने का, और 8 बजे सभी दुकानें बंद होनी है, रात को नाइट कर्फ्यू है, इसका लोगों से हम लोग अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं और यही अपील है कि इसका लोगों सख्ती से अनुपालन करें। मुजफ्फरपुर शहर के स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा पूर्व मंत्री सह पूर्व सांसद नवल किशोर सिन्हा के 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान फ्रंट के अध्यक्ष और फ्रंट के महासचिव ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज अगर उनके पद चिन्हों पर बिहार चलेगा तो बिहार का विकास बड़े पैमाने पर होगा। आज नवल किशोर का जयंती, 100वीं जयंती दिवस है और सादगी के वो नमूना थे। राजनीति क्षेत्र में बिरले ही ऐसे लोग सादगी जीवन, संयमित जीवन, आत्मसम्मान के साथ जीने का यह अगर कोई उदाहरण है तो नवल बाबू। नवल बाबू केवल राजनीति भी ही नहीं थे, एक विद्वान भी थे। बहुत लोग खुश होता था तो उनको किताब पढ़ने की शौक थी,
उनको किताब देता था और ब्लेड उनको दाढ़ी बनाने के लिए देता था, यही उनके लिए बहुत बड़ी तोहफा हो जाता था। स्वर्गीय नवल किशोर सिन्हा जी के 100वीं जयंती पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्रद्धा सुमन हम उनको अर्पित कर रहे हैं और इस श्रद्धा सुमन को अर्पित करने में हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं राजनेता के रूप में उनके द्वारा बिताए हुए जीवन का, और आज जो स्थिति राज्य में या देश में हो और उस क्रम में राजनीति में जो शुचिता की बात होती है उसके प्रतीक नवल बाबू थे। मुझको याद है कि 1971 में जब वो मुजफ्फरपुर के सांसद हुए थे तो उनके पास गाड़ी नहीं थी। दिल्ली में वो जो लोकसभा के द्वारा जो गाड़ी बस प्रोवाइड की जाती थी उसी बस पर जाके वो अपने जो उनके उनका आवास था वहाँ से वो संसद में जाते थे। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन को नगर पंचायत बनाए जाने की अधिसूचना जारी होने पर जाप नेता अभिजीत सिंह ने रोष जताते हुए प्रेस वार्ता किया और संवाददाताओं को बताया कि घोड़ा सहन को नगर पंचायत बनाना किसानों के साथ बेईमानी है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, विरोध करने का मतलब अगर सच्चाई को उजागर करना अगर विरोध है तो वो विरोध नहीं मानता हूँ। मैंने क्या कहा कि नगर पंचायत घोड़ासहन जो बन रहा है जिसके अंदर कदमवा, सिरीपुर और पुरनहिया पंचायत के कुछ वार्ड को लिया गया है और घोड़ासहन उत्तरी के भी कुछ वार्ड को लिया गया है जैसे महुआही जो एक गांव है पूरा का। मेरा इतना ही मानना है कि जो वार्डों को लेके किसी भी तरीके से राजनीति को सिद्ध करने के लिए किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक राजनीतिक और एक सामाजिक। तो ये राजनीतिक नीति के तहत इसको बनाया गया है। समाज के लोगों को क्या फायदा होगा, किसान का 14वां वित्तीय आयोग रुक जाएगा, जो उसको ट्रैक्टर पर, हरामा पर, रोटावेटर पर सब्सिडी मिलता है वो रुक जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।